उत्तराखंड में आ रहा है फर्स्ट मॉस गार्डन यूनियन एनवायरनमेंट मिनिस्ट्री ने इंस्टॉल किया है फायरफ्लाई बर्ड डाइवर्टर ये ग्रेट इंडियन बस्टर्ड को प्रोटेक्ट करने के लिए है सियांग रिवर है अरुणाचल प्रदेश की रेड पांडा स्पीशीज आज के सवाल है ह्यूमन कैपिटल इंडेक्स इज एन एनुअल लिस्ट रिलीज बाय विच ऑर्गेनाइजेशन कंटेमिनेशन ऑफ ड्रिंकिंग वाटर विद वॉट कॉजेज ब्लैकफुट डिसीज

लगी है है मोरेटोरियम का मतलब होता रिजेक्ट करना रद्द करना रिजेक्ट और बाय लीगल प्रोसीजर ट्रांजिएंट अभी इन्फ्लेशन ट्रांजिएंट है लास्टिंग ओनली फॉर अ शॉर्ट टाइम अनित्य बिलाई करना मतलब झुटलाना डिजगाइज और कॉन्ट्राडिक्ट आर्डेंट फॉलोवर है मतलब उत्साही है एंथुजियास्टिक और पैशनेट है

जीएसटी का कंपोजिशन और नए क्या डेवलपमेंट हुए हैं जीएसटी काउंसिल में दिस इज अफगानिस्तान और प्राइम मिनिस्टर का फाइनली स्टेटमेंट आ गया है कि इंडिया का क्या स्टैंड होने वाला है अफगानिस्तान में सो विल है लुक रिकॉर्ड वैक्सीनेशन हुआ गुड देन डी यू इंग्लिश कॉम्युनिकेशन कोर्सेज स्टार्ट कर रहा है गवर्नमेंट प्राइवेट एजेंसीज को बोल रही है कर्ब करो डस्ट पॉल्यूशन ये बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है डस्ट पॉल्यूशन कंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज विल टॉक दिस इज छपहार मेला और ये है एक्ट एंड फ्रिक्शन पॉलिटी का टॉपिक है ये अफगान रबल इंटरनेशनल रिलेशन यहाँ जियो पॉलिटिकल इकोनॉमिक सिचुएशन क्या डेवलप हो रही है ई ऑक्शन होगा ओलंपियंस ने जो अपने गिफ्ट किए थे उनका ई ऑक्शन करके मनी जनरेट करने की कोशिश होगी रीबिल्डिंग टाइज मिस्टर जयशंकर साहब अर्ली रिजोल्यूशन ऑफ एल इश्यूज ये ऑकस है ऑस्ट्रेलिया ने इंडिया को इन्फॉर्म किया कंसर्नस मिस्टर शी मोडरेट अफगानिस्तान जीएसटी बाइडन रेलवे मर्ज कर रहा है इन सबको अ जॉब टू डू कंस्ट्रक्शन साइट्स के ये कुछ पॉइंटर्स हैं वेरी गुड पॉइंटर्स जो पॉल्यूशन कंट्रोल में हेल्प कर सकते हैं डेट का वेट है और दिस इज पार्टिसिपेटरी नोट्स ये की अनाउंसमेंट्स हैं जो अभी हुए रिगार्डिंग टेलकोज चाइना के एस्ट्रोनॉट्स वापस आ गए हैं स्पेस स्टेशन से ब्लैक टाइगर एक नया नंबर्स बढ़ रहे हैं इनके ब्लैक टाइगर्स के और ये एक वार्निंग सिग्नल है मॉडर्न इंडिया में गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया में आज हम पढ़ेंगे थर्टी थ्री टू फिफ्टी एट बैंटिक मैटकाफलैंड इन सोलूशन क्वेश्चन सो वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट ऑल दीज इंपॉर्टेंट टॉपिक्स इन नेक्स्ट अबाउट थर्टी फाइव टू फोर्टी रेफरेंस मटीरियल इज दिस द हिंदू एंड दिस इज इंडियन एक्सप्रेस बोथ आर दिल्ली एडिशन सी ये फर्स्ट फ्रंट पेज है द हिंदू का फर्स्ट न्यूज है सुप्रीम कोर्ट का कोलेजियम जो है वो मिशन मोड में है कि जो वैकेंसीज हैं कोर्ट्स में उसको जल्द से जल्द फिल किया जाए तो अभी रिकमेंडेशन हुआ आठ न्यू चीफ जस्टिस का भी अक्रॉस हाई कोर्ट्स हाई कोर्ट्स पे होती है राज्य स्तर पे तो ये फास्ट लेन पे है पिछले एक महीने में सुप्रीम कोर्ट कोलेजियम ने सौ जुडिशियल अपॉइंटमेंट रिकमेंड किए हैं ट्रांसफर भी और एलिवेशन ऑफ जजेस भी अपॉइंटमेंट ट्रांसफर एलिवेशन ऑफ जजेस किसके द्वारा हुआ सुप्रीम कोर्ट कोलेजियम के द्वारा नाइन न्यू जजेस आए सुप्रीम कोर्ट में जिन्होंने शपथ भी ले ली है एट हाई कोर्ट जजेस आए रिकमेंड फॉर एलिवेशन ऑफ सीजेआई चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट फाइव हाई कोर्ट जजेस जस्टिस भी रिकमेंड हुए हैं फॉर ट्रांसफर तो ये जो तीन वर्ड्स हैं जुडिशियल अपॉइंटमेंट ट्रांसफर एलिवेशन ऑफ जजेस ये जो काम करती है वो करती है कोलेजियम तो ये कोलेजियम है क्या ये जो टॉपिक है वो लिंक हो सकता है स्ट्रक्चर ऑर्गेनाइजेशन फंक्शनिंग ऑफ द एग्जीक्यूटिव एंड द जुडिशरी जी एस टू अपी रिकमेंडेशन हुआ है अच्छी बात है बहुत टाइम से बैकलॉग बहुत ज्यादा है कोर्ट का अपॉइंटमेंट्स वैकेंसीज बहुत ज्यादा है वैसे वैकेंसी तो आर्म्ड फोर्सेज में भी बहुत है ऑफिसर्स बहुत शॉर्टेज चल रहा है आर्म फोर्सेज में सिविल सर्विसेज में भी बहुत शॉर्टेज चल रहा है ऑफिसर्स का तो वहां पर भी वैकेंसी बढ़नी चाहिए ज्यादा हमें रिक्वायरमेंट है अब यहाँ जो बात है जजेस का तो वो है कोलेजियम सिस्टम का कोलेजियम सिस्टम क्या है इसकी पुरानी हिस्ट्री है पहले फर्स्ट जज सेकंड जज थर्ड जज केसेस आए कोलेजियम में ये हुआ कि आर्टिकल 50 बोलता है सेपरेशन ऑफ एग्जीक्यूटिव और लजिस्लेटिव होना चाहिए दिस जुडिशरी सेपरेशन ऑफ एग्जीक्यूटिव तो अगर सेपरेशन है तो उससे क्या होगा सेपरेशन ऑफ पावर मॉन्टेज क्योंकि प्रिंसिपल तो इसीलिए जो सुप्रीम कोर्ट और जजेस ये सारे लोग हैं इनको एक कोलेजियम सिस्टम होता है ये कोलेजियम सिस्टम इनबिल्ट मैकेनिज्म होता है कोर्ट का जो बताता है कि किसको अपॉइंट करना है किसका ट्रांसफर करना है किसका एलिवेशन प्रमोशन एट्सेट्रा तो ये जजेस की एक ज्यूरी होती है कॉलेजियम सिस्टम क्या होता है एक फोरम है विच डिसाइड्स ऑन अपॉइंटमेंट एंड ट्रांसफर्स ऑफ जजेस इसमें चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया होते हैं और चार सुप्रीम कोर्ट जजेस होते हैं इससे पहले के जो केसेस आए थे उसमें ये रिकमेंड हुआ फिर सरकार ने ऑब्जेक्शन उठाया फिर एक डिसीजन आया तो आज की डेट में जो ये है वो ये है कि कॉलेजियम सिस्टम बताता है और उस नाम को गवर्नमेंट अप्रूव करके प्रेसिडेंट के पास भेजती है और प्रेसिडेंट उनको अपॉइंट कर देते हैं एज जजेस प्रेसिडेंट मेयरली अप्रूव्स सी जे आई एक्चुअली इसमें बहुत विवाद भी हुआ था एक एनजे आया था

तो ये प्रोसेस में ट्रांसपेरेंसी नहीं है इस प्रोसेस बहुत स्लो भी है ये प्रोसेस तो रिवैम्प तो जरूरी है रिफॉर्म होना चाहिए चेंजेस कैसे थे जैसे सी जी आई कैन नॉट मेक यूनिलेटरल चॉइसेस कंसल्टेड जज व्यूज नीड टू बी इन राइटिंग इन रिटर्न होना चाहिए राइटिंग जैसे जब इमरजेंसी लगी थी तो उसके बाद क्या प्रोविजन आया कि राइटिंग में लिख के दो तभी इमरजेंसी लगेगी तो इन राइटिंग होना चाहिए लिखित रूप में सरकारी जो भी काम होते हैं ना फॉर्मल उसमें यह शब्द बहुत इंपॉर्टेंट है रिटर्न में लिख के दो रिटर्न में इन राइटिंग नॉन कॉम्प्लायस मस्ट टेक सी जी आई चॉइस नॉन बाइंडिंग ट्रांसफर ऑफ जजेस होता है उसमें सर द पॉइंट इज कि क्रिटिसिज्म जेन्यन है ट्रांसपेरेंसी होना जरूरी है आज की डेट में यह सिस्टम है जुडिशियल अपॉइंटमेंट में इट इज ऑब्लिगेटरी टू द प्रेसिडेंट टू मेक इन टू अकाउंट द ओपिनियन ऑफ द सीजीआई सीजीआई का ओपिनियन पूछा जाएगा सीजीआई का ओपिनियन मतलब कोलेजियम का ओपिनियन ओपिनियन ऑफ द सीजे आई बाइंडिंग होगा गवर्नमेंट पे ओपिनियन ऑफ द सीजे आई मस्ट बी आफ्टर ड्यू कंसल्टेशन विद द कोलेजियम मतलब सीजे आई नॉट अलोन देर इज अ कोलेजियम जिसका कंसल्टेशन वगैरह के बाद ही सीजेआई अपना ओपिनियन गवर्नमेंट को देगा गवर्नमेंट प्रेसिडेंट और प्रेसिडेंट उसको अपॉइंटमेंट देगी कोलेजियम में चार सीनियर मोस्ट जजेस भी होने चाहिए अगर दो जज भी एडवर्स ओपिनियन रखते हैं तो वो रिकमेंडेशन नहीं भेजा जाएगा बट टाइम चेंज हो रहा है बैकलॉग हो रहा है ट्रांसपेरेंसी अकाउंटेबिलिटी होना जरूरी है तो इस बात पे सवाल उठते रहते हैं तो हम इस टॉपिक को प्रिपेयर करते हैं प्रिपेयर ऑन द कोलेजियम सिस्टम इन द इंडियन जुडिशरी ये है क्या इसके बारे में एक ब्रीफली नोट बनाइए की वॉट इज कोलेजियम सिस्टम राइट इट डाउट Do you agree with the view that collegium system requires reconsideration? अब ये दूसरा पार्ट है इसमें आप अपना ओपिनियन बताओ क्या आप अग्री करते हो कि कोलेजियम सिस्टम में रिफॉर्म्स जरूरी है रिफॉर्म्स गिव रीजन इन सपोर्ट ऑफ योर आर्ग्यूमेंट और जो भी आप बोलो ना उसके लॉजिकल कॉन्स्टिट्यूशनल आर्ग्यूमेंट्स दो लॉजिकल आर्ग्यूमेंट्स एडमिनिस्ट्रेशन कैसे होना चाहिए कॉन्स्टिट्यूशन पॉलिटिकल पॉइंट्स ये सारी चीजें तो प्रिपेयर दिस क्वेश्चन दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और आने वाले टाइम पे भी इसका रेलिवेंस बना रहेगा तो दिस इज वेरी हाई एल्डिंग एक टॉपिक ऐसा प्रिपेयर होता है ना उससे मिलते जुलते आर्ट दस टॉपिक और प्रिपेयर हो जाते हैं सो दैट इज वाई वी ट्राई टू इंक्लूड सच टाइप ऑफ क्वेश्चन अब जो नेक्स्ट है वो है जीएसटी काउंसिल नॉट फॉर इंक्लूजन ऑफ पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स फाइनेंस मिनिस्ट्री ने कहा सेंटर टर्न्स डाउन स्टेट बिली फॉर कंपनसेशन बियन जून टू थाउजेंड जीएसटी कंपनसेशन तो वो भी दो के बाद स्टेट को नहीं दिया जाएगा और पेट्रोलियम भी इंक्लूड नहीं हो रहा है तो फोर्टी फिफ्थ जी एस टी काउंसिल हुई थी टू सेवेंटी नाइन ए फोर्टी फिफ्थ जी एस टी काउंसिल फाइनेंस मिनिस्टर मैम फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमन मैम ने कहा लखनऊ में ये कुछ डिसीजंस हुए कंसेशनल टैक्स रेट्स हैं कोविड नाइन्टीन में जिसे एसेंशियल मेडिसिन वगैरह थी उस पर टैक्स में छूट दी थी तो वो दिसंबर तक कंटिन्यू रहेगी फिर ये कुछ और मेडिसिन हैं इसमें भी छूट रहेगी लीज एयरक्राफ्ट एक्जेमटेड है फ्रॉम इंटीग्रेटेड जीएसटी जीएसटी भी स्टेट होता है सेंट्रल होता है इंटीग्रेटेड होता है इंटीग्रेटेड तो जीएसटी से इनको छूट मिलेगी ऑफ लीज एयरक्राफ्ट फूड डिलीवरी ऐप जो है ना अब वो जीएसटी कलेक्ट करेंगे इंस्टेड ऑफ रेस्टोरेंट्स हम खाना बुलाते हैं स्विगी जोमेटो तो जो डिलीवरी एप है वो जी कलेक्ट करेगा बजाय रेस्टोरेंट के फोर्टिफाइड राइस कर्नल्स फॉर आईसीडीएस स्कीम में भी यहाँ पे 18 से 5 कर दिया गया है

मल्टी स्टेज है स्टेप्स ऑफ प्रोडक्शन में है डेस्टिनेशन बेस्ड है पॉइंट ऑफ कंजम्पशन पे लगता है ये स्लैब्स हैं जैसे अभी देखा ना फोर्टीफाइड राइस का अट्ठारह से पाँच कर दिया जीरो पाँच बारह अट्ठारह अट्ठाइस है पेट्रोलियम अल्कोहल इलेक्ट्रिसिटी अभी भी कवर्ड नहीं है जीएसटी काउंसिल होती है जैसे अभी फोर्टी फिफ्थ काउंसिल हुई आर्टिकल टू सेवेंटी नाइन ए तो इस काउंसिल में फाइनेंस मिनिस्टर हेड होते हैं टू बी इलेक्टेड एक वाइस चेयरमैन चेयरपर्सन बनते हैं फिर यूनियन रेवेन्यू सेक्रेटरी एक्स ऑफिशियो सेक्रेटरी होते हैं हर राज्य के यूनियन मिनिस्टर होते हैं फाइनेंस टैक्स और जो इनको चाहिए रिक्वायरमेंट ऑफिसर्स का वो होगा साथ ही साथ चेयरमैन सी एक्स ऑफिशियो परमानेंट इनवाइटी होता है तो यहाँ सारी बातें होती है फाइनेंस से रिलेटेड टैक्स से रिलेटेड पैसे से रिलेटेड ओके तो यहाँ जीएसटी की इस फोर्टी मीटिंग का सिग्निफिकेंस ये है कि एक तो वैसे ही हम टैक्स कॉम्प्लाइंट नहीं हैं दूसरा टैक्स का जो डिस्ट्रीब्यूशन है सेंटर और स्टेट में इसमें बहुत फ्रिक्शन है ऑल दो दिस आर्टिकल 280 है बट जीएसटी एस कंपनसेशन एक बहुत बड़ा मुद्दा है और ये जो टॉपिक है वो है फिजकल फेडरलिज्म फिजकल कोऑपरेशन पैसे से रिलेटेड फिजकल कोऑपरेशन सेंटर और स्टेट के बीच में टैक्स ऑन फैब्रिक गारमेंट्स एंड फुटवेयर भी हाइक कर दिया गया है तो ये जो है ना नंबर्स पे नहीं जाना है हमें बहुत ज़्यादा ट्रेंड हमें समझना चाहिए इसका पीछे का लॉजिक क्या है ओके okay? दैन पॉलिटिकल चेंज इन अफगानिस्तान नॉट इंक्लूसिव ना वी वार वेटिंग फॉर दिस स्टेटमेंट कि प्राइम मिनिस्टर क्या बोलते हैं ऑफिशियल स्टैंड क्या होता है तो अफगानिस्तान में प्राइम मिनिस्टर का स्टेटमेंट आ गया है कि अफगानिस्तान की जो गवर्नमेंट बनी है वो नॉट इंक्लूजिव है अफगानिस्तान थीम्ड आउटरीच समिट था अभी शंगई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन का और कलेक्टिव सिक्योरिटी ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन सी एस टी ओ एस के कितने मेंबर कंट्रीज हैं आप बताओ इसके मेंबर कंट्रीज ये इंपॉर्टेंट है अफगानिस्तान सेंट्रल एशिया एंड एस और इसमें इंडिया भी मेंबर है तो इसीलिए इस ये बड़ा इंपॉर्टेंट है एस तो प्राइम मिनिस्टर का स्टेटमेंट ये है और ये अब से हमारी ऑफिशियल लाइन होने वाली है एम भी अब देखना ये फॉलो करेगा द फर्स्ट इशू इज दैट द चेंज ऑफ अथॉरिटी इन अफगानिस्तान वॉज नॉट इंक्लूसिव इंक्लूसिव नहीं था पुरानी गवर्नमेंट पंजशीर दिस इज़ नॉट इंक्लूसिव एंड दिस हैपन विदाउट नेगोशिएशन जो टॉक्स होनी थी डिस्कशन होना था नहीं गन के इस पे इन्होंने ये कैप्चर किया दिस रेजेज क्वेश्चन ऑन द प्रोस्पेक्ट्स ऑफ रिकोगग्निशन ऑफ द न्यू सिस्टम अभी भी फाइनली कुछ यस और नो नहीं बोला है बट सवाल ज़रूर खड़े किए कि रिकोगनीशन दे या नहीं दे रिप्रेजेंटेशन ऑफ ऑल सेक्शंस ऑफ अफग़ान कुछ ही दिन पहले हमने देखा था अफगान में कितनी सारी कॉम्यूनिटीज़ हैं सेक्शनस हैं उनका रिप्रेजेंटेशन क्यों नहीं हुआ विमेन क्यों नहीं है वहां पे माइनॉरिटीज क्यों नहीं है दिस इज इम्पॉर्टेंट तो ये जो स्टेटमेंट है बड़ा स्ट्रॉन्ग स्टेटमेंट है इस लाइन ऑफ एक्शन को आगे हम और देखेंगे ओके okay? देन ये एक अच्छी न्यूज है वैक्सीनेशन कवर बढ़ रहा है एक्सीलेंट ढाई करोड़ लोगों को वैक्सीनेशन दिया है अब देखिए यही बात है हम अक्सर इंडिया को सीधा कंपेयर कर देते हैं न्यूजीलैंड से कि न्यूजीलैंड इतना अच्छा है एडमिनिस्ट्रेशन है ये वगैरह लुक एट द पॉपुलेशन न्यूजीलैंड के गिनती के तो लोग हैं इंडिया के इतने सारे लोग हैं इतने सारे लोगों को एक साथ लेके चलना वैसे ही बहुत बड़ा टास्क है सो so, अगर अगर अपन पॉपुलेशन को कंसिडर करें ना तो इंडिया इज वन ऑफ द फाइनेस्ट कंट्री ऑफ द वर्ल्ड इतना रिकग्नाइज और वेल ऑयल्ड मशीनरी है जो इंडिया में वर्क कर रही है बिकॉज लुक एट द पॉपुलेशन वन पॉइंट थ्री करोड़ और दैट टू डेमोक्रेसी चाइना की तरह नहीं है सो द पॉइंट इज इंडिया इज डूइंग रियली वेल दिस टू पॉइंट फाइव करोर वैक्सीनेशन India sets record with 2.5 crore COVID-19 shots in one day. Excellent. DU छह हफ्ते का इंग्लिश कम्युनिकेशन कोर्स स्टार्ट कर रहा है वेरी गुड इंग्लिश आनी चाहिए ओके सो दिस इज द फ्रंट पेज ऑफ द हिंदू अब जो नेक्स्ट है वो है दिस six वीक communication कोर्स वर्क ऑन योर communication स्किल्स एक दिन में नहीं होते हैं चेंजेस बट ग्रेजुअली डेली आप एफर्ट्स डालोगे विजिबल चेंजेस होंगे और वो बड़े कंक्रीट होंगे इसीलिए मैं डे वन से आपको बोल रहा हूँ राइटिंग रीडिंग स्पीकिंग इन तीन चीज़ों पे आपको अच्छी ग्रिप कर, बनाना है रीडिंग करोगे तो इससे तो हर जगह ही हेल्प होगा आपको पढ़ना जल्दी जल्दी आएगा समझ में आएगा लिखा क्या है वरना बच्चों को समझ में ही नहीं आता क्या पूछा क्या गया है लिखा क्या है फॉर्मल रीडिंग आएगी आपको राइटिंग आएगी आपको आता बहुत कुछ है बट आप लिख ही नहीं पाते हो तो वो आना एग्जाम में आपके किसी काम का नहीं है जब तक आप लिख नहीं पाते तो राइटिंग स्किल्स डेवलप करो और खुद की पर्सनालिटी में भी डेवलप करो वरना एक दिन मेंस निकल जाएगा दस दिन का टाइम रहेगा और फिर आप भागोगे कि आप पर्सनालिटी कैसे डेवलप करें दस दिन में तो होती नहीं है सो द पॉइंट इज यू हैव टू पुट सम एफर्ट्स वर्क ऑन दिस फॉर फॉर ऑल ऑल फ्री है गवर्नमेंट टेल्स प्राइवेट एजेंसीज टू फॉलो गाइडलाइन टू कर्ब डस्ट पॉल्यूशन अब ये जो पॉल्यूशन है ना दिल्ली का तो पॉल्यूशन नाइटमेयर खत्म ही नहीं होता अभी स्टबल बर्निंग था अभी कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी भी एक बहुत बड़ा थ्रेट है दिल्ली के आसपास गुड़गांव नोएडा सब जगह कंस्ट्रक्शन चलता रहता है और उससे पॉल्यूशन होता है तो जैसे प्रोमिनेंट पॉल्यूटिंग एक्टिविटी क्या है कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी है ओपन वेस्ट में डंपिंग हो जाती है जैसे कचरे के पहाड़ बने हुए हैं दिल्ली में ओपन बर्निंग है खुले में ही जला देते हैं सब ट्रैफिक कंजेशन है रोड डस्ट रीसस्पेंशन है रोड्स बनती है डस्ट आती है और वो फाइन पार्टिकल से क्या होता है ब्रीदिंग डिफ़िकल्टीज होती है जिनको एस्तमा और ये है वो बहुत डिफिकल्टी फीस कर फील करते हैं स्पेशली स्पेशली विंटर्स में एयर पॉल्यूशन जो है वो दिस समीर ऐप से हम मेजर करते हैं ए क्यू आई इंडेक्स भी ज़रूरी है जानना सारे जो पॉलिटेंट्स हैं ए क्यू आई के तो कंप्लेंट्स क्या आती है दिल्ली में कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी है ओपन डंपिंग ऑफ गार्बेज है ओपन गार्बेज बर्निंग है रोड पिट्स अनपेव्ड है कच्ची रोड रोड डस्ट है ट्रैफिक कंजेशन है इंडस्ट्री वेस्ट है इलीगल इंडस्ट्री है व्हीकल्स बहुत सारे व्हीकल्स हैं पॉल्यूशन फ्रॉम जनरेटर डीजल जनरेटर्स है लीफ बर्निंग इंडस्ट्रियल एमिशन, फायर एट लैंडफिल साइट्स तो ये जो है ना ये पिलर्स हैं ये की हैं जिसके कारण दिल्ली में पॉल्यूशन होता है तो आज का सवाल है अ नोट ऑन द स्टेटस ऑफ अर्बन पॉल्यूशन अर्बन मतलब शहर वहां का पॉल्यूशन तो अब यहाँ स्पेसिफिक क्या करना है एक दो लाइन में पॉल्यूशन बताइए और फोकस करिए अर्बन पे आइडेंटिफाई द मेजर फैक्टर्स ऑफ पॉल्यूशन जैसे ये इतने सारे देखे ना आठ दस पॉइंट है ये मेजर फैक्टर्स ऑफ पॉल्यूशन और फिर एक वे फॉरवर्ड भी बताइए अगेन हाई क्वेश्चन डू इट देन इसको भी आगे और कुछ पॉइंट्स इसमें देखेंगे अपन देन ये है ये है छाप पार मेला ये 18 से 23 सितंबर में होगा इन रिमेम्बरेंस ऑफ गुग्गा पीर जी ये सिम्बोलाइज करता है ग्लोरियस हेरिटेज विच रिफ्लेक्ट स्पिरिट ऑफ पंजाब पंजाबी एंड पंजाबियत सो दिस इज दैट ये जो ऐसे कल्चर के सवाल होते हैं ना ये भी अक्सर ऐसे आते हैं सुप्रीम कोर्ट अलाउज केरला टू होल्ड फिजिकल एग्जामिनेशन तो ये स्टूडेंट यहाँ पे ऐसे पढ़ रही है काफी गुस्से में दिख रही है दिस इज वन दिस अपियरिंग फॉर दिस एग्जामिनेशन ओके और आप ऑनलाइन भी पढ़ते हो ना तो जैसे इसने पेन पेपर से लिख लिख के देखो ये नहीं कि डिजिटल ओनली असल एग्जाम में आपको कोई आईपैड वगैरह नहीं मिलेगा वहां पे रियल जो है ना पेन पेपर साइज पे लिखना होता है सो प्रैक्टिस दिस ओके फिजिकल एग्जाम देन दिस इज इंजर्ड इन ब्रिज ये है आर्ट एंड फ्रिक्शन यहाँ बात है नेशनल कमीशन इज एसेंशल टू मेक अपॉइंटमेंट टू ट्रिब्यूनल पिछले कुछ दिनों से सात सितंबर से हम डेली लगभग ट्रिब्यूनल्स पढ़ रहे हैं सेवन सितंबर का वीडियो देखिए यहाँ ट्रिब्यूनल्स के बारे में काफ़ी अच्छे से हमने थ्री टू थ्री ए थ्री टू थ्री बी वगैरह पढ़ा था प्रोविजन क्या है पॉलिटिकल पॉलिटी के तो अब बात यह है कि एक स्ट्रीमलाइन होना जरूरी है ट्रिब्यूनल्स में भी अगेन चेरी पिकिंग होता है नियम जो है वो क्लियर कट नहीं है तो इससे डिले भी होता है इर आती है तो क्यों ना एक कमीशन बताए बनाए जो एसेंशियल रहे टू अपॉइंटमेंट टू ट्रिब्यूनल्स में क्योंकि इससे कई बार क्या होता है अंडर हो जाती है ऑटोनॉमी ऑफ वेरियस ट्रिब्यूनल्स इन द कंट्री इंडिपेंडेंटली वो वर्क नहीं कर पाते एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया कंडीशन ऑफ सर्विसेज भी क्लियर कट है नहीं ट्रिब्यूनल्स हैव ऑलवेज बीन सीन एज इंस्टीट्यूशन दैट वर अ रंग लोअर इन इंडिपेंडेंस एज रेगुलर कोर्ट्स तो ट्रिब्यूनल्स जो है वो एग्जीक्यूटिव का ही स्ट्रैच नज़र आता है जुडिशियल अलग से कोर्ट नज़र नहीं आता even though there is a wide agreement that administrative tribunals are required for quicker and more focused adjudication of cases that required specialization in domain expertise ye jo sentence hai na ye batata hai tribunal ki zarurat tribunal kya hai Tribunal specialized case के लिए होता है जैसे environment का हो गया tax का हो गया film certificate का हो गया उनका expertise है उस matter में और इससे क्या होता है जल्दी जल्दी cases भी सॉर्ट होते हैं तो tribunal जरूरी है नेशनल ट्रिब्यूनल कमीशन हो जो अपॉइंटमेंट वगैरह देखिए ट्रिब्यूनल्स का तो ये यहाँ पे बात किया गया है देन दिस इज स्टेपिंग बैक यहाँ कोहली का जो डिसीजन है टी ट्वेंटी से दिस स्टेप डाउन करना इसका थोड़ा क्रिटिसिजम भी हो रहा है यूजली क्या होता है रेड बॉल वाइट बॉल ऐसे सेपरेट होता है अगर स्प्लिट कैप्टेंसी हो बट टी ट्वेंटी से ही बस स्टेप डाउन है ओडीआई से नहीं है देन यहाँ पे रेड बॉल है देर आर सो मेनी थिंग और वर्कलोड इतना था तो आई पी एल से स्टेप डाउन करना था रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर सो पिकिंग अप थ्रेड्स फ्रॉम द अफगान रबल अफग़ान रबल ऑफ ऑल द कंट्रीज इन्वॉल्व इन अफग़ानिस्तान इंडिया पॉसिबली हैज़ द बेस्ट क्रेडेंशियल टू इनेबल काबुल्स न्यूट्रैलिटी अब जो अफ़ग़ानिस्तान है ना इसका भी जोग्राफ़ी बहुत ब्लेसड है जैसे सेंट्रल एशिया में हर जगह अफग़ानिस्तान हार्ट है इसीलिए इसको हार्ट बुलाता है हार्ट ऑफ एशिया अफ़ग़ानिस्तान अब अफ़ग़ानिस्तान में अभी जो टर्मोइल हुआ तो सब के सब अब अफ़गानिस्तान में दिस पाई चंक का क्लेम करने की कोशिश करेंगे अपना अपना प्रेजेंस दिखाने की कोशिश करेंगे पाकिस्तान ऑब्वियसली बहुत ज़्यादा यहाँ डोमिनेट करेगा पाकिस्तान का इंफ्लेंस भी बहुत ज़्यादा है एस्पेशली तालिबान तो अस सी यहाँ पे क्या डेवलपमेंट होता है फिलहाल के लिए इसमें बहुत ज़्यादा जो पॉइंट्स हैं उसमें नहीं जाना है इंडियन रेस्पेक्ट में हमें इस पूरे इशू को देखना है कि हमारे क्या कंसर्नज़ हैं और हमारी क्या एक्सपेक्टेशंस हैं तो अभी हाल ही की डेट में सब आईज ऑन द पाई रहेगा सब अपना शेयर मांगने की कोशिश करेंगे जताएंगे अफगानिस्तान में कोलैप्स हुआ है यूएस का इन्वॉल्वमेंट ऑफ अफगानिस्तान है साइमल्टेनियस राइज हुआ तालिबान का और उसमें पाकिस्तान का एंगल भी है चाइना रशिया भी है और एक हद तक ईरान भी है ताजिक वगैरह है ना इनकी क्लोज टाइज है ईरान के साथ तो ये पूरा पावर प्ले चल रहा है यहाँ पे लाइकली टू सेट इन ट्रेन डेवलपमेंट दैट could द जियो पॉलिटिक्स ऑफ द रीजन तो इस सब से क्या होगा सब यहाँ पे अपना अपना दिस शेयर करेंगे प्रेजेंस बढ़ाएंगे कॉम्पिटिशन होगा फ्रिक्शन होगा और जियो पॉलिटिक्स इम्पैक्ट होगी रशिया अब पहले जैसा पावर तो है नहीं बट फिर भी वो रिक्लेम करने पड़ेगा करने पड़ेगा अपनी कोशिश करेगा अफगानिस्तान में प्रीवियस पोजिशन जो एक टाइम पे सोवियत इरा में अफगान में रशिया एन्जॉय करता था तो रशिया वही क्रीडेंशियल्स फिर से लाने की कोशिश करेगा इन्फ्लुएंस करेगा अफगान का जो इम्यो है गिव इट्स एन चाइना को तो चाइना तो है ही है ना इज ऑफ बिकम वर्ल्ड नंबर वन पावर तो अब ये कोशिश करेगा चाइना नंबर वन बनने की अफगानिस्तान प्राइज है वो जियो इकोनॉमिक जियो पोलिटिकल स्टैंड पॉइंट से क्योंकि लोकेशन हार्ट ऑफ एशिया मिनरल वेल्थ बहुत है टन्स टन्स ऑफ रेयर अर्थ मटेरियल है मिनरल्स है यहां पे, तो वो भी सब क्लेम करना कोशिश करेगा चाइना एंड ऑल की ऑब्जेक्टिव है बेल्ट रोड इनिशिएटिव का वो भी यहाँ मतलब चाइना को तो ये विन विन सिचुएशन है फर्दर एक्सटेंड इट्स रीच टू इंडियन ओशन और इससे क्या होगा चाइना की जो बहुत ज्यादा डिपेंडेंसी है पाकिस्तान पे वो भी कम होगी तो लेटेस्ट सी अब यहाँ पे क्या होता है बिकॉज अब पाकिस्तान पे डिपेंडेंट नहीं होगा चाइना या अफगानिस्तान से यहाँ चाबार पोर्ट तो हमने बनवा ही दिया है तो वो सीधा यहाँ पे ईरान वैसे ही फ्रेंड हो गया है चाइना का तो चाइना अब पाकिस्तान को भी बाईपास कर सकता है तो चाइना स्ट्रेटेजिकली बड़ा अच्छे से अपने कार्ड्स खेल रहा है यहाँ अफगानिस्तान से यहाँ सीधा अरेबियन सी आ जाएगा ईरान से डायरेक्ट ऑयल बुला लेगा ऐसे यहाँ पे सो तो चाइना के लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है जियो पोलिटिकली एंड जियो इकोनॉमिकली अब इंडिया क्या करे इंडिया के पास करने के लिए बहुत कुछ है नहीं अभी हमको वेट एंड वॉच पॉलिसी देखना चाहिए

अभी देखते हैं यहाँ पे क्या होगा इट इज़ अगेन टू अर्ली टू कमेंट ऑन दिस इंडिया का क्या स्टैंड होता है लेट अस सी बट ये जो एरिया है ना ये मैपिंग के लिए बड़ा इंपॉर्टेंट होने वाला है आपको पता होना चाहिए अफगानिस्तान के नेबर्स क्या हैं जैसे ईरान तुर्कमेनिस्तान उज्बेकिस्तान यहाँ ताजिकिस्तान है फिर ये चाइना आ गया फिर ये पाकिस्तान है दिस दिस और यहाँ पे इंडिया भी एक स्मॉल यहाँ पे शेयर करता है सो दीज आर नेबर्स ऑफ अफगानिस्तान और ये क्या है ये है सेंट्रल एशिया है कजाक उजबेक तुर्क किर्ग ताजिकिस्तान एटसेट्रा ये कैस्पियन सी है कैस्पियन सी किन किन सारे कंट्रीज से बॉर्डर शेयर करता है आंसर दिस इज कैस्पियन सी ये अराल सी है इससे भी सवाल आया था अराल सी उज्बेक और कजाक के बीच में तो दिस इज अफगानिस्तान अफगानिस्तान रबल डार्क क्लाउड केरला स्काई दिस इज द अदर वायरस निप्पा वायरस अब केरला में बढ़ रहे है कांग्रेस ये एक अच्छी चीज़ है ई ऑक्शन हो रहा है कि जैसे नीरज चोपड़ा ने अपना जैवलिन दिया स्पोर्ट्स पर्सन जो मेडल्स जीत के आए उन्होंने यहाँ पे अपना ऐसे इक्विपमेंट प्राइम मिनिस्टर को दिया अब इसका ऑक्शन होगा जैसे ये जेवलिन ही कोई एक करोड़ रुपए में बिक रहा है तो उस पैसे को फिर फर्दर अच्छे से यूटिलाइज हो पाएगा दिस स्पोर्ट्स एंड ऑल में तो ये ऐसे ऑप्शन हो रहा है अब जो नेक्स्ट है वो है रीबिल्डिंग टाइज जैसे अभी ई एम जयशंकर साहब ने चाइनीज काउंटर पार्ट वैंग दुशानवे में अभी मीटिंग किया लेट अस सी देन दिस इज एन ई पी ये जयशंकर साहब की मीटिंग है यहाँ पर अगेन अफगानिस्तान से रिलेटेड बात हुई हायर जुडिशरी सेट फॉर बिगेस्ट रीशफल इन रीसेंट टाइम अभी जो ये डेवलपमेंट हो रहा है ऑस्ट्रेलिया यूके यूएसए का तो ऑस्ट्रेलिया बिकॉज फ्रेंड ऑफ इंडिया है यूके यूएस भी है तो इंडिया के जो कंसर्न्स है कि जैसे न्यूक्लियर केपेबल सबमरीन आएगा क्वाड का क्या होगा तो इन्होंने ये स्टेटमेंट दिया इट विल नॉट अफेक्ट क्वाड सिक्योरिटी डायलॉग अब मेजर रीस्ट्रक्चरिंग हो रहा है रेलवेज का ऑन एनविल मतलब इट इज ऑन एनविल अभी भविष्य में होगा अभी इस पे वर्क चल रहा है ऑन एनविल रेलवे ऑन एनविल पैनल रिकमेंड प्राइवेट पार्टिसिपेशन Up of core, this टीवी बना दिया ना दोनों को मिला के लोकसभा राज्यसभा ऐसे जो बहुत ज्यादा ड्युप्लीकेट हो रहा है वर्क एटसेट्रा एफिशियंसी बढ़ाने की सरकार कोशिश कर रही है प्राइवेटाइजेशन करने की कोशिश कर रही है दिस इज दोफिजिस्ट दिस पद्म फेड्स अवे और दिस इज 27 परसेंट रेसिडेंट को एंटीबॉडीज हो गई है मिस्टर शी कॉल्स फॉर अ मोडरेट अफगानिस्तान एक्सट्रीमिस्ट नहीं मोडरेट अफगानिस्तान इन फॉर्मल मीटिंग में यहाँ ये यह हुआ बाइडन अनवील कर रहे हैं प्लान टू कट मीथेन मीथेन एमिशन मीथेन ऑस्ट्रेलिया श्रग्स ऑफ चाइना एंगर ऑन न्यूक्लियर सब्स हुता टू पुट सुकी ऑन ग्राफ ट्रायल रेस फॉर जापान अभी जो योशिदे थे प्राइम मिनिस्टर जापान के उन्होंने रिजाइन कर दिया था अब नेक्स्ट जो होगा सुगा के बाद इस पर बात चल रही है अहेड ऑफ पोल्स यहाँ पे, पे, पे लैंड किया चाइनीज एस्ट्रोनॉट्स स्टेट ब्रॉडकास्टर सीसीटीवी ने बताया कैप्सूल सक्सेसफुली लैंडेड चाइना का भी जो स्ट्रैटेजी है ना दो जगह फोकस कर रहा है एक तो ओशन दूसरा स्पेस और ये जो दोनों जगह है ना लैंड तो ऑलमोस्ट सब कॉनकर हो गया कोलंबस का टाइम था जब लैंड अनकॉनकर था अभी आज की डेट में तो पूरी लैंड कवर हो गई है जो कवर नहीं हुई है वो है ओशियन और जो स्पेस तो नेक्स्ट जो रेस है ना वो ये है हाई एल्टिंग इंडिया को भी यहाँ पे फोकस करना चाहिए हमारा एक गगनयान मिशन है ये कब आने वाला है बताइए गगनयान एस्ट्रोनॉट्स काउंसिल रेजेस जीएसटी ऑन लो कॉस्ट फुटवेयर गारमेंट्स टू ट्वेल्व परसेंट इसमें जीएसटी बढ़ गई जूते महंगे होंगे देन अप्रूव्स कंपोजिशन स्कीम फॉर ब्रिक ब्रिक किल जो ईंट भट्टा होता है ना ब्रिक किल कि यहाँ पे भी टैक्स नहीं देते हैं तो इसको वापस लाओ बट अभी भी अभी भी ये जो गुटका है इस पर टैक्स नहीं लगा रहे बट स्किप्स गुटका तो यहाँ जो इवेजन है उसको इवेजन कम करना चाहिए इधर भी सिन गुड्स डिलीवरी टैक्स गुड ये भी ठीक है कि जो डिलीवरी एप है वो जी लगाएंगे तो इससे कलेक्शन बेटर होगा फैसिलिटी टू डीपन कॉरपोरेट बॉन्ड मार्केट ऑन एनअल है रिफॉर्म पैकेज थ्री प्लस वन स्ट्रक्चर मूडी बोल रहा है डब्ल्यू की जो एग्रीकल्चर पैक्ट है वो हमारे लिए फेवर में नहीं है डेवलपिंग के लिए ओला ने ग्यारह हजार करोड़ का सेल किया दो दिन में कलेक्शन एफिशिएंसी पिकअप पोस्ट कोविड नॉर्मल सी आ रही है टाटा का ये एक नया वर्जन आया है सफारी एंड दिस इज नाडा टेस्टिंग फ्री है शमसी एंड दिस इज स्पोर्ट्स ओके सो दिस इज द हिंदू अभी इंडियन एक्सप्रेस में सी प्राइम मिनिस्टर ने ऑन काबुल कहा क्वेश्चन ऑन एक्सेप्टेबिलिटी थिंक टुगेदर ऑन रिकॉग्निशन रिकॉग्निशन तब मिलेगा व्हेन दे विल एक्ट एंड अकाउंटेबिलिटी के साथ अब सी मिलिट्री का थॉट प्रोसेस अलग होता है डिप्लोमेट का थॉट प्रोसेस अलग होता है जयशंकर साहब डिस विद सीडीएस इंडिया डजेंट बिलीव इन क्लैश ऑफ सिविलाइजेशन तो दिस इज डिप्लोमेटिकली करेक्ट स्टेटमेंट जयशंकर साहब इंडिया डजेंट बिलीव इन क्लैश ऑफ सिविलाईजेशन पर जो मिलिट्री होती है ना मिलिट्री का डिज़ाइन ऐसा होता है कि दे वॉन्ट टू प्रिपेयर फॉर वर्स्ट दे वॉन्ट टू प्रिपेयर फॉर वर्स्ट बिकॉज यू नो मिलिट्री लास्ट होती है लास्ट रिजॉर्ट होती है जिस दिन जिस देश की मिलिट्री हार गई मतलब वो देश गया जिसे अफगानिस्तान में जिस दिन वहाँ के मिलिट्री वालों ने वेपन्स ड्रॉप कर दिया अफगानिस्तान मतलब टेक ओवर हो गया तालिबान का तो जो मिलिट्री होती है ना मिलिट्री माइंडसेट ही यही होता है कि ऑलवेज प्रिपेयर फॉर वर्स्ट वर्स्ट चीज के लिए प्रिपेयर करो होप फॉर द बेस्ट दैट इज गुड बट प्रिपेयर फॉर द वर्स्ट बिकॉज फेलियर इज नॉट एन एक्सक्यूज फॉर यू फेलियर कोई ऑप्शन है ही नहीं मिलिट्री फेल होनी ही नहीं चाहिए तो ऑलवेज प्रिपेयर फॉर वर्स्ट ये स्ट्रैटेजी में हमेशा यही ध्यान दिया जाता है कि क्योंकि मिलिट्री लास्ट रिजॉर्ट है कोविड मेडिसिन चीपर फूड डिलीवरी फॉर्म्स लाइबल फॉर पेइंग टैक्स तो ये अगेन डेवलपमेंट है अब सी जब भी डिस्टर्बेंस होता है जब भी केओस होता है अब वर्ल्ड के किसी भी पार्ट का देख लो जहाँ पे रेडिकलाइजेशन है जहाँ पे एक्सट्रीमिज्म है जहाँ पे लॉ एंड ऑर्डर नहीं है जहाँ पे वॉयलेंस है उत्पात हो रहा है ये सब चीज़ें हो रही है वो हमेशा पिछड़े होंगे वहाँ पे ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स बहुत पुअर होगा और उनका लाइफ जो ऑर्डिनरी है वो केओस में होगा वहाँ कुछ लीडर्स तो बड़े रिच होंगे बट जो मैक्सिमम पॉपुलेशन जो होगी ना उनके पास कोई फैसिलिटी नहीं होगी इकोनॉमिकली बैकवर्ड होंगे अब पाकिस्तान ऑन द ब्रिंक ऑफ दिस इकोनॉमिक कोलैप्स क्यों है बिकॉज इसका इमेज ऐसा बन गया है ट्रस्ट नहीं आता सिक्योरिटी अलर्ट न्यूजीलैंड वाले तुरंत पुल आउट कर गए पाकिस्तान टूअर से एस्केलेशन इन थ्रेट लेवल इससे क्या होगा छह साल तक अभी क्रिकेट हुआ नहीं था अभी फिर और क्रिकेट नहीं होगा नेक्स्ट ईयर जो लंदन भी आने वाला था इंग्लैंड भी आने वाला था वो भी सवाल खड़े करेगा इससे जो यहाँ का जो लोकल स्पोर्ट है वो डिफीट होगा रेवेन्यू नहीं आएगा तो इट इज़ लाइक अ स्पायरलिंग इसका ये अंत हीन है यहाँ पे इसको कोई बेनिफिट होगा नहीं दैट इज़ वाई हम हमेशा ये बोलते हैं लॉ एंड ऑर्डर होना सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है किसी भी कंट्री के लिए काम नियम के हिसाब से होते हैं लॉ एंड ऑर्डर सेफ्टी एंड सिक्योरिटी होना भी ज़रूरी होता है

उसका ऑप्शन होगा अभी ओके? Okay? ये जो आठ दस पॉइंट है ना ये बड़े अच्छे हैं। कंस्ट्रक्शन साइट में क्या क्या बोला गया वॉल्स मस्ट बी कवर्ड एंटी स्मोक गन मस्ट टैरपोलिन मतलब ऐसे डस्ट को बाहर जाने के लिए वो मस्ट है व्हीकल्स शुड बी कवर्ड एंड क्लीन कोई भी मटेरियल रोड पे नहीं गिरना चाहिए रेसिड्यू टू बी कम्पाइल्ड स्पॉट्स ऐसे फेंकना नहीं है इधर उधर। नहीं करना है कि गिट्टी का का लगा लगा दिया, रेत का लगा दिया, रेत no. सैंड no हवा से उड़ेगी ब्रीदिंग डिफिकल्टी नो कटिंग ग्राइंडिंग इन ओपन फाइन डस्ट पार्टिकल्स वाटर स्प्रे जरूरी करो ताकि वो सब सेटल हो जाए डस्ट पक्की ब्लैक टॉप रोड पे ही अब ट्रांसपोर्ट मटेरियल यूज करो रिकॉर्ड करो सारे जनरेटेड वेस्ट को डस्ट मास्क मैंडेटरी होगा वर्कर के लिए इनकी लाइफ भी जरूरी है मेडिकल फैसिलिटी मस्ट है फॉर वर्कर्स के लिए वरना इनको अक्सर ब्रीदिंग डिफिकल्टी हो जाती है कंस्ट्रक्शन साइट्स में जो काम करते हैं अब देखिए ये जो पॉइंट्स हैं दे आर वेरी सिंपल सिंपल पॉइंट्स सिंपल सिंपल पॉइंट्स इसमें कोई आपको स्पेशलाइजेशन रॉकेट साइंस नहीं करना है तो जो सिविल सर्विसेज का एग्जाम है ना वो बड़ा सिंपल सा एग्जाम है और जो जॉब रिक्वायरमेंट है वो भी बड़ी सिंपल है आपको क्या लगता है ये जो आई वगैरह बनते हैं कोई रॉकेट साइंस करते हैं नो no. बड़े सिंपल सिंपल से ऐसे ऐसे चीजों को इम्प्लीमेंट कराते हैं दैट्स ऑल बिकॉज काम ही इनका ऐसा है तो रिक्वायरमेंट ऑफ दिस एग्जाम इज दिस कि आपको रेंज होनी चाहिए अब देखो इसमें कितनी सारी रेंज कवर की दिस आई वॉन्ट फ्रॉम यू इन योर आंसर राइटिंग कि रेंज होनी चाहिए इस एंगल से सोचा इस एंगल से वर्कर्स का हेल्थ भी सोचा यहाँ पे दिस सो दिस शुड बी द वे फॉरवर्ड डेवलप दिस थॉट प्रोसेस की मल्टीप्रोन्ज सोचना है हमें ये नहीं कि बस एक चीज पकड़ लिया उसी पे सारे पन्ने भर दिए नो यू है बैलेंस शीट क्लियर करने के लिए बट ये जो क्रेडिट कल्चर मस्ट चेंज फॉर हेल्थियर फाइनेंशियल सिस्टम कल आई क्रिटिसाइज दिस लोन माफ़ी या फिर मोरेटोरियम ये ना गलत है बिकॉज इससे क्या होता है एक बैड कल्चर हेल्दी फाइनेंशियल सिस्टम नहीं बनता है अक्सर हम लोन माफ़ी करते हैं मोरेटोरियम करते हैं रीस्ट्रक्चरिंग करते हैं री कैपिटलाइज करते हैं सवाल ये उठने चाहिए कि गलती क्यों हो रही है फंडामेंटल मिस्टेक्स क्या हो रही है इस पूरे बैंकिंग सिस्टम में वो ही लॉन्ग टर्म सॉल्यूशन होगा बट हम रेस्क्यू भी इसलिए करते हैं क्योंकि रेस्क्यू नहीं करेंगे तो इतने सारे एम्प्लॉयमेंट लॉसेस हो जाएंगे टेलकोस को अगर रेस्क्यू नहीं करेंगे तो इतने टेलकोस बंद होगा एम्प्लॉयमेंट बंद होगा वैसे ही इकोनॉमी डिफिकल्टी में तो दिस इज़ वॉट आई ट्राई टू टेल कि जो एडमिनिस्ट्रेटर है ना एडमिनिस्ट्रेटर सीधा सीधा ब्लैक और वाइट नहीं सोचता है उसको ये देखना है कि शॉर्ट टर्म बेनिफिट्स क्या मिल रहे हैं कई बार जैसे लोन माफ़ी टेक्निकली करेक्ट नहीं है बट फिर भी गवर्नमेंट लोन माफ़ी करती है किसानों को फाइनेंशियली वो करेक्ट नहीं है बट क्यों करती है बिकॉज सिचुएशन उस टाइम पे वही डिमांड कर रही है तो ये जो फ्लेक्सिबिलिटी होती है ना डिसीजन मेकिंग में होनी चाहिए और रिजिडिटी नहीं होनी चाहिए मेरिट बेस्ड होना चाहिए प्रॉब्लम हमने इमिजिएटली सॉल्व कर दिया टेलीकोज का बट इसका मतलब ये नहीं है कि ये एक हैबिट बन जाए कल दूसरे टेलीकोर्स भी ये डिमांड करने लग जाए नो no. किसान माफी कर दिया बट ये एक हैबिट नहीं बननी चाहिए फंडामेंटल्स जो है उसको सॉल्व करना जरूरी है दिस वी नीड टू अंडरस्टैंड अ जॉब टू डू राइजिंग अनएम्प्लॉयमेंट है इसको अटेंशन देना जरूरी है इंडिया में बहुत डिस्गाइ अनएम्प्लॉयमेंट हो रहा है स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट भी हो रहा है स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट का मतलब फंडामेंटल फ्लॉज आ रहे हैं इकोनॉमी में न्यू होराइजन दिस इज इंडो पैसिफिक रैटल्स चाइना इंडिया के लिए पास अब यह अपॉर्चुनिटी है इसमें हम मैरीटाइम सिक्योरिटी को डेवलप करें जैसे एयरक्राफ्ट कैरियर भी देख रहे हैं स्ट्रैटेजिक कमांड बना रहे हैं अंडमान निकोबार एट्सेट्रा इंडियन ओशन में प्रेजेंस बढ़ाएं नेवल स्ट्रेंथ नेवी इज़ द नेक्स्ट बिग थिंग ब्रेकिंग द ग्लास वॉल्स स्टैम्प फ्रॉम फुलफिलिंग पोटेंशियल, विमेन रिप्रेजेंटेशन एसेट्स एंड लाइबिलिटीज हैं गवर्नमेंट की मोनिटाइजेशन बेनिफिट होगा या नहीं होगा सर्वे अच्छा खासा हो रहा है एन जी ए में रोल ऑफ नेशन बिल्डिंग ऑस्ट्रेलियन प्राइम मिनिस्टर रिजेक्ट क्रिटिसिजम ऑफ न्यूक्लियर सबमरीन अग्रीमेंट दैन मिस्टर शी अर्जेज अफगानिस्तान टू स्टैम्प आउट टैरर दिस तालिबान ने मिनिस्ट्री का नाम ही चेंज कर दिया अब ये विमेन मिनिस्ट्री नहीं होगी इसका नाम है मिनिस्ट्री ऑफ वर्च्यू एंड वाइस वैन दिस इज चाइना एस्ट्रोनॉट्स रिटर्न फ्राम स्पेस स्टेशन स्पेस स्टेशन तो ये एस्ट्रोनॉट्स आ रहे हैं चाइना बहुत अच्छे से अपना वर्क कर रहा है। दिस जो नेक्स्ट बिग थिंग है ना इसमें तो ये भी जो मिसोजिनी है ना इसपे हमें प्रमोट नहीं करना है जो इधर की थॉट प्रोसेस है दिस था प्रोसेस इज नॉट राइट then google apple remove this app from russian then world bank to stop ease of doing business ab ye jo tha iska purpose tha ki ease of doing business matlab मतलब business friendly ho investment vagera countries kya karne lag gayi ki jo jo parameters hai na usko aise twist karti hai ki ranking up ho jati hai but actually me business friendly wo country hai nahi to data juggling hoti hai data juggling remember this keyword data juggling to तो world bank ne abhi ease of doing business ko hi stop कर दिया है। इन्वेस्टमेंट वाया पार्टिसिपेटरी नोट्स कल क्विज में देखा था पार्टिसिपेटरी नोट्स जो फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर्ड हैं इन्वेस्टर्स हैं और रजिस्टर्ड हैं वो ओवरसीज इन्वेस्टर्स को पी नोट्स रिलीज कर सकते हैं पी नोट्स के थ्रू वो बिना रजिस्टर किए फॉरेन इन्वेस्टर्स बिना रजिस्टर किए सेबी में इंडियन स्टॉक मार्केट में पार्टिसिपेट कर पाएंगे तो दिस इज कॉल्ड पी नोट्स इससे सवाल भी आया था दो में तो इतने पी नोट्स हैं एज पर सेबी और से बी क्या है रेगुलेटरी बॉडी है पूरे स्टॉक एक्सचेंज वगैरह की डब्ल्यू टी ओ एग्रीमेंट इंडिया के अगेंस्ट है पैन और आधार की लिंकिंग है अनपैकिंग द टेलीकॉम रिफॉर्म पैकेज तो इसके चार बड़े पॉइंटर्स हैं मोरेटोरियम मिला पेमेंट पे जो ए जी आर के ड्यूज थे ए जी आर की डेफिनेशन फिर से रैशनलाइज की जा रही है हंड्रेड परसेंट एफ डी आई है ऑटोमेटिक रूट में रैशनलाइजेशन होगा स्पेक्ट्रम इकोसिस्टम का स्पेक्ट्रम पे जो चार्जेस हैं वो भी रिमूव्ड है तो वन टू थ्री फोर फाइव ये की अनाउंसमेंट्स है वेन एवर आज की अभी क्या रिफॉर्म हुआ फर्स्ट इज मोरेटोरियम रैशनलाइजेशन एजीआर हंड्रेड परसेंट ऑटोमेटिक रूट एफ डी आई स्पेक्ट्रम और दिस स्पेक्ट्रम पे चार्जेस रिमूव दीज आर फाइव पॉइंटर्स ओके अब ये बात है वाई ब्लैक टाइगर साउंड ऑफ वार्निंग ब्लैक यूजुअली ऐसा होता है कि मेलानिस्टिक हो जाते हैं तो स्किन कलर ब्लैक हो जाता है ये जो टाइगर्स है ना इनमें ऐसा हो रहा है कि ये जो टाइगर की स्ट्राइप्स होती है जैसे ब्लैक स्ट्राइप्स है तो ब्लैक स्ट्राइप्स ज्यादा फैलने लग गई है ज्यादा डोमिनेट कर रही है येलो वाइट कम हो रहा है तो ये टाइगर ब्लैक नज़र आ रहा है ब्लैक टाइगर साउंड वार्निंग और ये इसलिए हो रहा है बिकॉज सिमली पाल इधर ज़्यादा हो रहा है उड़ीसा में यहाँ इन ब्रीडिंग ज्यादा हो रही है इन ब्रीडिंग इन ब्रीडिंग इज रॉन्ग इन ब्रीडिंग से इकोलॉजिकल जेनेटिक डाइवर्सिटी नहीं होती जो नेक्स्ट जनरेशन आती है वो वीकर आती है और उस जेनेटिक डाइवर्सिटी नहीं होती तो वो ससेप्टेबल होती है कुछ भी चेंजेस वगैरह हुए इनकी पॉपुलेशन वाइप आउट हो सकती है दैट इज़ बाय जो गिर के लायंस हैं हम इतना ज़्यादा दिस कंसर्न क्यों होते हैं बिकॉज गिर लायंस में भी इनब्रीडिंग हो रही है जेनेटिक डाइवर्सिटी है ही नहीं तो कुछ अगर अटैक हुआ वायरस एनी तो ये पूरी पॉपुलेशन की पॉपुलेशन वाइप आउट हो सकती है सो दैट इज़ बाय यहाँ जो सिमली पाल में हो रहा है वो भी एक कॉज ऑफ कंसर्न है अब कोशिश ये की जा रही है कि जैसे दूसरे टाइगर रिजर्व से यहाँ पे टाइगर्स को इंट्रोड्यूस किया जा रहा है सो दैट डाइवर्सिटी हो जेनेटिक डाइवर्सिटी पैरालंपिक्स एंड दिस इज हिडन जेम्स और दिस इज इंडियन एक्सप्रेस अब जैसे ये है आज का गवर्नर जनरल देखते हैं आज हम 18 दिस कब तक चलेंगे 1844 तक चलेंगे तो कल हमने देखा था 1828 तक देखा था 1828 में विलियम बैंटिक आते हैं 1828 में और ये 1835 तक चलेंगे बट इसी बीच जो पोस्ट है गवर्नर जनरल की वो अब पोस्ट हो जाती है गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया पहले बंगाल था गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया हो गया तो लॉर्ड विलियम बेंटिक फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया है पोस्ट को अपग्रेड कर दिया अब इस पोस्ट को गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया बोलने लग गए लॉर्ड विलियम बेंटिक इनके टाइम पे क्या होगा बंगाल सती रेगुलेशन 1829 होगा सती को बैन किया जाएगा ये जो विलियम बेंटिक का टेन्योर है ना वेरी इंपॉर्टेंट महलवारी सिस्टम सेंट्रल इंडिया में आएगा पंजाब और वेस्टर्न यूपी पहले जमींदारी आ गया था दिस इज महलवारी सेंट हेलेना एक्ट 1833 चार्टर एक्ट 1833 होगा क्रिश्चियन मिशनरीज गेट एक्सक्लूसिव राइट्स टू स्प्रेड क्रिश्चियनिटी इन ब्रिटिश इंडिया विच इंक्लूडेड द प्रेजेंट डे पाकिस्तान तो क्रिश्चियनिटी पहले इंडिया में नहीं थी अब 1833 में मिशन मोड में क्रिश्चियनिटी का स्प्रेड करने की बात होगी कोल रिबेलन होगा 1831 में इंग्लिश एजुकेशन एक्ट 1835 थर्टी फाइव आएगा मैकॉले मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल कोलकाता में भी बनेगा सो ये होगा विलियम बेंटिक का फिर इसके बाद चार्ल्स मेटकाफ आते हैं 1823 में लाइसेंसिंग रेगुलेशन जो था उसको रिपील करेंगे तो इसीलिए इनको बोला जाता है लिबरेटर ऑफ इंडियन प्रेस कैलकाटा पब्लिक लाइब्रेरी बनेगी 36 में नेशनल लाइब्रेरी ऑफ इंडिया चार्ल्स मेटकाफ फिर ऑकलैंड आएंगे तो इनके टाइम पे ब्रिटिश शाह शुजा और महाराजा रंजीत सिंह 1809 में फर्स्ट ट्रीटी हुआ था 39 नाइन आते आते होगा तो दोस्त मोहम्मद खान और महाराजा रंजीत सिंह एंड यहाँ पे ट्रीटी होगा अफगान फर्स्ट एंग्लो अफगान वॉर होगा और अफगान एवरीबडी नोस ग्रेवयार्ड ऑफ एम्पायर ब्रिटिशर्स यहाँ पे मैसाकर होंगे ब्रिटिश आर्मी यहाँ पे मैसाकर होगी जैसे यूएस आर्मी भागी ऐसे ब्रिटिश आर्मी भागेगी बाय द स्ट्रॉग अफगान आर्मी मिलिशिया एटीन में तो इसके बाद ब्रिटिशर्स को लेसन मिलेगा कि डोंट लुक बैक अफगान नहीं जाना है बैंक ऑफ बॉम्बे होगा जो बाद में इम्पीरियल बैंक ऑफ इंडिया नाउ स्टेट बैंक ऑफ इंडिया फर्स्ट बंगाली डेली आएगा संवाद प्रभाकर 39 में तत्व बोधनी सभा ये इंपॉर्टेंट है देवेंद्र नाथ टैगोर जी एटीन तो अब हम आ गए इसके बाद लॉर्ड एलन वॉर आएंगे ग्वालियर वॉर होगा ब्रिटिश डिफीट मराठा बैंक ऑफ मद्रास एस्टेब्लिश होगा जो बाद में ये सब अलग अलग हैं जो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में आ जाएंगे तो दिस इज 1844 अभी ये गवर्नर जनरल्स थोड़ा और चलेंगे फिर आ जाएगा वाइस रॉय फिर इसके बाद वाइस रॉयज ऑफ इंडिया ओके इस वीक में सब कंप्लीट कर लेंगे ये है सी सेट डायरेक्शन सिंपल है ए टू बी बी टू सी सी टू डी डी टू ई तो फाइनल ए और ई e की डायरेक्शन क्या हुई ई e की डायरेक्शन है टूवर्ड्स वेस्ट दो किलोमीटर ये भी इजी था ऐसे ऐसे ये ये एल है ये आर है आर दिस इज ए अंकित दिस इज रवि दिस इज लावी डायरेक्शन इज दिस नॉर्थ ईस्ट ए टू डी अगेन सेम ड्रॉ करते जाइए कभी गलती नहीं होगी ए बी सी डी नाम लिखते लिखते ऐसे लेफ्ट राइट लेफ्ट राइट यू विल गेट द आंसर अ ट्रेन ऑफ लेंथ 110 मीटर है रनिंग एट अ स्पीड ऑफ 60 किलोमीटर पर आवर इन व्हाट टाइम इट विल पास अ मैन हु इज रनिंग एट 6 किलोमीटर पर आवर इन द डायरेक्शन ऑपोजिट टू वॉट एंड विच द ट्रेन इज गोइंग डायरेक्शन अपोजिट मतलब दोनों की स्पीड एड कर दो सेम डायरेक्शन मतलब स्पीड सब्सट्रैक्ट कर दो सॉल्व और किलोमीटर टू दिस मीटर आना चाहिए दिस फाइव बाई एटीन एटीन बाई फाइव टू स्टेशन पी एंड क्यू है एक सौ दस किलोमीटर अपार्ट है स्ट्रेट ट्रैक में एक ट्रेन स्टार्ट होती है सात बजे ट्रेवल करती है टूवर्ड्स क्यू बीस किलोमीटर पर आवर से दूसरी ट्रेन स्टार्ट करती है क्यू से आठ बजे ये सात बजे या आठ बजे ट्रेवल टूवर्ड्स एट ए स्पीड ऑफ ट्वेंटी फाइव पहली बीस थी ये पच्चीस थी आपको बताना है कि दोनों कब मिलेंगे हर ट्रेन स्पीड पास इन पंद्रह सेकंड प्लेटफॉर्म सौ मीटर लॉन्ग इन पच्चीस सेकेंड तो उसकी लेंथ क्या है बताइए अच्छा सवाल है ये दोनों अच्छे सवाल है सोल्व सो दिस इज सी सेट सी सेट सोलूशन गवर्नर जनरल डेट वेट टाइगर्स ब्लैक टाइगर्स अफगान रबल ये पॉल्यूशन रिलेटेड नोट तैयार करिए और ये नोट तैयार करिए कोलेजियम सिस्टम पे ऑल राइट right? So, thank you so much for watching this video. Take care, study well, and be safe.